जय महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आ गए हैं उज्जैन के रेलवे स्टेशन में। ये रेलवे स्टेशन पे भगवान शिव का प्रतीक स्वरूप बना हुआ है, लिंग स्वरूप, और लगातार उसमें अभिषेक होता रहता है। तो ये काफ़ी शाम को ब्यूटीफुल दिखता है, क्योंकि शाम को यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह की भी व्यवस्था होती है। बहुत ही सुंदर है, मन खुश हो जाता है इसको देखकर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब आपको ले जाते हैं उज्जैन के रेलवे स्टेशन के टूर पर। शिवलिंग से जस्ट लगा हुआ ही अवंतिका डॉर्मेट्री और भोजनालय और एसी रूम का होटल है, ये आपको मिल जाएगा स्टेशन पर ही। तो यदि आप चाहें तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। अवंतिका होटल है, ये रेलवे के द्वारा संचालित है और ग्लास से पूरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके जस्ट बाजू से ही ये स्टेयर्स लगी हुई हैं, एक्सीवेटर लगा हुआ है, लिफ्ट लगी हुई है। इसके साइड में ही ये कुछ दुकानें हैं, यहाँ पर कपड़े की, डेली नीड्स की, तो ये भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर देखने को। और ये उज्जैन रेलवे स्टेशन में तिरंगा शान से लहराता हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। हवा चल रही है, तिरंगा शान से लहरा रहा है। और ये फ्रंट व्यू है उज्जैन जंक्शन का। ये कार पार्किंग वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर है। और लेफ्ट हैंड साइड में ये टू व्हीलर पार्किंग्स बनी हुई हैं। उज्जैन जंक्शन लिखा हुआ है बिल्डिंग पे, काफी बड़ी बिल्डिंग है। ये है फ्रंट व्यू उज्जैन जंक्शन का। लहराता हुआ तिरंगा। और राइट हैंड साइड में यहाँ पर रिजर्वेशन काउंटर बना हुआ है। रिजर्वेशन काउंटर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में बना हुआ है। और स्टेशन के लेफ्ट में आपको अनारक्षित टिकट मिल जाएगी, आपको अनरिजर्व टिकट के लिए ये बनी हुई है। आप प्लेटफॉर्म नज़ारा दिखाते हैं आपको, प्लेटफॉर्म कैसा है उज्जैन जंक्शन का। घुसते ही ये LED पे बोर्ड लगा हुआ है कौन सी ट्रेन कब आती है। यहाँ पर सामान चेक करने का मशीन लगा हुआ है। ये इंक्वायरी काउंटर है, यहाँ पे आप पूछताछ कर सकते हैं टिकट्स वगैरह के लिए, ट्रेन के बारे में। और काफी बड़ा जंक्शन है, 8 प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारी ट्रेन यहाँ पे गुजरती हैं। सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ये अहमदाबाद के लिए जाने वाली ट्रेन सामने खड़ी हुई है। और काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, देख सकते हैं आप दूर दूर तक यहाँ पर, वो दूर आपको फोटो ओवर ब्रिज दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर बोर्ड में भी दी गई है कि कौन सी जगह आपको कहाँ मिलेगी। तो टिकट घर के बारे में, GRP के बारे में, वेटिंग रूम के बारे में, ब्रिजेस के बारे में, स्टेशन मास्टर, RPF थाना, क्लॉक रूम, ये सब जानकारी यहाँ पे दी गई है।
प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आपको तीनों फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि उज्जैन महाकाल की नगरी है, काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो स्टेयर्स बनी हुई है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। इसके बाजू में ही लिफ्ट लगी हुई है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। आपके पास स्लोप बना हुआ है, यदि आप दिव्यांग हैं तो स्लोप से भी जा सकते हैं। और उसके अलावा आपका बाहर से ही एक्सीवेटर की सुविधा भी दी गई है जिसका आप उपयोग करके प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये ऊपर बोर्ड लगा हुआ है उन पर आप आसानी से जा सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जाने के लिए रास्ता है, यहाँ पे भी आप देखें तो लिफ्ट लगी हुई है जिसके उपयोग से जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो दिव्यांग जन हैं, वो प्लेटफॉर्म पे पहुँच सकते हैं। और ये एग्जिट का रास्ता है। एक बार आपको प्लेटफॉर्म नंबर 8 का जो गेट है उसको और दिखा देते हैं कि वो गेट कैसा है। और ये नज़ारा है प्लेटफॉर्म नंबर 8 का उज्जैन जंक्शन के। ये हम पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 है। तो टोटल 8 प्लेटफॉर्म उज्जैन जंक्शन में है और आपको इसके एग्जिट जो गेट है, प्लेटफॉर्म नंबर 8 का जो गेट है, उसका भी एक व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं। इस साइड भी आप देखेंगे, यदि प्लेटफॉर्म नंबर 8 से भी उतरते हैं तो मेन मार्केट है। सारी सुविधाएं जो आपको मिलनी चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। बसेस मिल जाएंगी आपको, टैक्सी की व्यवस्था हो जाएगी, ऑटो की व्यवस्था हो जाएगी, और यहाँ पे ये अनरिजर्व्ड टिकट्स भी आपको मिल जाती हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे भी। काफ़ी बड़ी संख्या में टूरिस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 8 से भी आते हैं। और ये देखिए सामने पूरी सुविधाएं यहाँ पर हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर भी। इसका जो चारों तरफ का एरिया है, कार पार्किंग वगैरह की भी व्यवस्था है यहाँ पर। और ये है उज्जैन जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 8। तो ये जानकारी थी पूरी उज्जैन जंक्शन के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है और काम का लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय महाकाल, जय श्री महाकाल। मैं तो मेरा डर गई थी।